वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग डेटा सफिशियंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता, इस पर बात करने जा रहे हैं। प्री एग्जाम के साथ साथ मेन एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। मेन एग्जाम आईबीपीएस पीयू, आईबीपीएस आरआरबी पीयू को ध्यान में रख करके ये डेटा सफिशियंसी का सेट है। ये आपको प्री एग्जाम में भी काफी मदद पहुंचाएगा, चैप्टर का कंसेप्ट भी क्लियर करेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एंजॉय करेंगे। मैं डिस्कशन करूंगा, एलोबरेट करूंगा, चैप्टर को समझने का भी एक अवसर होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन है, देखिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ए क्वेश्चन इज फॉलोड बाय इंफॉर्मेशन गिवन टू और थ्री स्टेटमेंट्स। यू हैव टू स्टडी द क्वेश्चंस अलोंग विद द स्टेटमेंट्स एंड डिसाइड द इंफॉर्मेशन गिवन इन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नेसेसरी टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ये आप जानते हैं, आप जब भी डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन बनाते हैं आपको पता है कि जो ऑप्शंस दिए हैं, जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से कौन से स्टेटमेंट सफिशियंट हैं उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल। ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 38,500 was distributed among Amit, Bhaskar and Chauhan. How much does each get? आपको वैल्यूज नहीं निकालने हैं, आपको सिर्फ बताना है कि एबीसी, अमित ए, भास्कर बी, चौहान सी, ये एबीसी को कितना कितना मिलेगा। ये अगर निकल रहा हो जिन इंफॉर्मेशन के सारे, वो आपका आंसर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है अमित गेट्स 2/9 ऑफ व्हाट द अदर टू गेट टुगेदर। इससे नहीं निकलेगा, लेकिन सवाल ये नहीं है कि नहीं निकलेगा, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है ये हमको पता होना चाहिए ताकि आगे इसका इस्तेमाल कैसे करें इसमें सुविधा हो। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। अमित को अगर ए मिलता हो तो आदर्स को, अमित को यदि टू मिलता हो, ए मिलता हो या टू मिलता हो, तो आदर्स बी एंड सी को 9 मिलेगा। तो टू भी डाल दीजिए कि तीनों मिला करके कितना होगा, 11। बी और सी का 9 है और ए का 2 है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या है? हम ए प्लस बी प्लस सी क्यों ना निकालें? क्यों, अभी बताता हूं। तो ये 2/11 होगा। हां, इससे हम नहीं निकाल सकते, रुपया के लिए तो रुपया चाहिए और रुपया ऊपर दिया है, लेकिन ए का तो ठीक है, आप ए का तो निकाल सकते हैं। 11 मीन्स 38,500 What is 2? तो आपको निकल जाएगा, लेकिन बी एंड सी का नहीं निकलेगा, हमें तीनों का चाहिए, तो फर्स्ट से आंसर नहीं मिलता। अच्छा, सेकंड, उसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट, भास्कर गेट्स 3/11 ऑफ व्हाट द अदर टू गेट टुगेदर, नहीं मिलता, क्योंकि हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि भास्कर का पूरे के साथ क्या रेशियो है। मतलब ये कि ए प्लस सी अगर 11 है तो भास्कर 3 है, तो तीनों मिला के 14 है, तो ये 3 है, ऐसे क्यों ना लिखें। हम स्टेटमेंट 2 से भास्कर का निकाल सकते हैं ओनली, स्टेटमेंट 1 से अमित का निकाल सकते हैं ओनली। इवन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, तो अमित और भास्कर का तो निकल जाएगा, तो फिर तीसरा भी निकल गया ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, बोथ कंबाइनिंग टुगेदर
सफिशियंट टू गिव द आंसर, दोनों मिलकर के आंसर देते हैं, सफिशियंट है, बोथ वन एंड टू चाहिए, डी आंसर करने ही नहीं है, बात यही खत्म। लेकिन क्वेश्चन तो है, थोड़ा सा समझाना भी जरूरी है। आप देखिए कि अगर ए की बात करें, अगर हम बी की बात करें, अगर हम सी की बात करें, टोटल की बात करें, यानी ए प्लस बी प्लस सी की बात करें, तो आप मुझे बताइए, हम दोनों ओर इंटू 11 कर देते हैं, दोनों ओर इंटू 14 कर देते हैं, तो पूरा वैल्यू टोटल क्या होता है, 11 इंटू 14, दैट मीन्स की 154। इसमें अमित का निकलता है 28। डेटा सफिशिएंसी के ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है, वो तो काम खत्म हो चुका। क्वेश्चन तो है ना, उसका एक्सप्लेनेशन तो जरूरी है। इसके बाद बी, बी कितना है, 33। ये दोनों मिला के कितना हुआ, 32 और 28, 60 और ये 161। तो 60 हटा दीजिए तो 40 का मतलब, नहीं समझे, 61 हटाइए, 40 एंड 53, मतलब 100 में से 60, तो 40 और 1 याद हटाइए तो 53, 93, यानी सी का वैल्यू 93 आया। जल्दी बोलिए, तो सी का वैल्यू 93 आया। तो अब तो आप सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, टोटल आपके पास लिखा हुआ है कितना, 38500। फैक्टराइज रहने का अपना फायदा है, देखिए ऐसे आपको लगेगा पता नहीं क्या लिखा है, अगर डबल कर दें तो पूरा सिस्टम ही इजी हो जाए, लेकिन छोड़िए कोई बात नहीं, 11 से कंसल्ट करते हैं, 11 से और 14 से, तो 7 से करेंगे तो 500, 2 से करेंगे तो 250। जल्दी बोलिए, यानी इंटू 250 होगा कि नहीं, 250 टाइम्स, बोलिए, तो 250 टाइम्स, तो हर एक का वैल्यू 250 टाइम्स निकाल सकते हैं, इंटू 250 इंटू 250 इंटू 250, बोलिए आप आराम से इन सब का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए हो रहा है, जरूरत नहीं। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन भी समझाता हूं, अगर 4 दे दीजिए तो 1000 7000 7k 25 है ना, 250, 4 इसमें से दे दीजिए, मतलब 33 ना, 32 समझ के 4, 1000 तो 8000, मतलब 8.25000 ऐसे बोल सकते हैं, और उसी तरह से 93 ना, 23000। बोलिए बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं, इस पूरे वैल्यू को, सम इज 38.5000। आप देखिए, ये मैं सिर्फ समझाने के ख्याल से बात कर रहा था, बार बार मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को समझना जरूरी है, डेटा सफिशिएंसी में चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, क्वेश्चन का यहां तक सवाल है तो पहले हो गया था, बोथ टुगेदर ये तो हम लोग पहले ही कर चुके थे। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल, नीतू एंड ममता स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर टुवर्ड्स ईच अदर साइमल्टेनियसली, नीतू और ममता एक दूसरे की ओर जाते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे स्टार्ट, ये कहता क्या है, देखिए ये कहता क्या है बताता हूं। सबसे पहली बात है, इसको देखिए ऐसे कि ये नीतू है, ये ममता है, ओके, दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं, दोनों एक दूसरे की ओर चल रही हैं, एक साथ चलती हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे स्टार्ट, शुरू जब करती हैं चलना तो समय दोनों के बीच की दूरी क्या है, बीच का डिस्टेंस क्या है हमें चाहिए। अगर हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी के मान लें,
के मान लें, तो व्हाट इज के पूछा है, तो के इज इक्वल टू व्हाट ए पूछा है, आप किन के सहारे आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट वन, 30 मिनट्स आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे आर 1500 मीटर अपार्ट, मतलब समझे, ये चले कहीं मिले तो ये यहां आ चुके, ये भी यहां आ चुके, तो के डिस्टेंस तो तय कर चुके, के डिस्टेंस तय कर चुके, लेकिन ये जर्नी आगे जारी रहती है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1500 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर होता है आफ्टर 30 मिनट्स। मतलब ऐसे यहां से टाइम शुरू हुआ 30 मिनट्स में दोनों मिलकर के कितना डिस्टेंस तय करते हैं, सोचिए जरा, के प्लस 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर, के किलोमीटर प्लस 1.5 किलोमीटर, जब दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सम तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा। स्टेटमेंट वन सिर्फ ये कहता है कि रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों के स्पीड का सम ये क्या होगा, डिस्टेंस यानी के प्लस 1.5 किलोमीटर एंड हाफ एन आवर यानी 2 × k + 1.5 यानी कि 2k + 3 किलोमीटर पर आवर, दोनों के स्पीड का सम हमें मालूम हो रहा है, जिसमें वन अननोन की नहीं पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं पता है, स्टेटमेंट वन से नहीं निकलेगा। लेकिन स्टेटमेंट वन से कौन सा इंफॉर्मेशन निकलेगा, ये बात तो इंपॉर्टेंट है, उसको हमने नोट किया कि यस ये मिलता है, शायद किसी के साथ मिलकर के आंसर देता हो। स्टेटमेंट टू जो है वो क्या कहता है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर नीतू रीचेज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ममता हु टेक्स 4 टाइम्स एज मच टाइम एज ममता टेक्स टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नीतू। मतलब दोनों सब एक साथ चले हैं, अपनी अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं, सेम डिस्टेंस के तय करते हैं, तो उस पूरे डिस्टेंस को तय करने के दौरान टाइम जो है नीतू का वो 4 टाइम्स है, तो स्पीड 1/4 बना, यानी कि नीतू का स्पीड नीतू और स्पीड ममता दोनों के बीच में रेशियो क्या है, 1:4। स्पीड के बीच में रेशियो क्या है, 1:4। अगर हम बोले कि 1x किलोमीटर पर आवर 4x किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड क्या हुआ, 5x। लेकिन इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता, क्यों, क्योंकि हम इवन 1 और 2 दोनों बोलते हैं तो हमें सिर्फ ये मालूम होता है कि 5x इज इक्वल टू 2k + 3। सम मोर डेटा आर नीडेड तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, कांट बी डिटरमिन्ड। जल्दी बोलिए, कांट बी डिटरमिन्ड इज द आंसर। क्वेश्चन शानदार था, समझना जरूरी था, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया। टाइम एंड डिस्टेंस का एक सुंदर सवाल है, ये मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आ सकता है, सारा इंफॉर्मेशन दे दिया रहेगा, ऑप्शन रहेगा जिसमें कांट बी डिटरमिन्ड आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला सवाल, थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ जाकिर, जाकिर का मंथली इनकम बताना है। तो हम लोग पहले ही नोट कर लेते हैं भाई, ये जो जाकिर हैं इनका मंथली इनकम बताना है,
इज इक्वल टू व्हाट, किसके सहारे बता सकते हैं। तो देखते हैं, स्टेटमेंट लेके देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, जाकिर स्पेंड्स 85% ऑफ हिज इनकम, जाकिर स्पेंड्स 85% ऑफ मंथ 85% ऑफ हिज इनकम ऑन वेरियस आइटम्स एंड रिमेनिंग आइटम रिमेनिंग अमाउंट इज सेट। तो एक बात तय है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 85% एंड सेविंग इज इक्वल टू 15%। तो नहीं बता सकते, सिर्फ रेशियो या परसेंटेज के आधार पर वैल्यू कैसे बता सकते। स्टेटमेंट टू, जाकिर्स मंथली सेविंग इज गिवन, तो यस बनेगा। सेकंड स्टेटमेंट, सेविंग दिया हुआ है, कहने का मतलब यह है कि स्टेटमेंट टू से नहीं बनेगा, लेकिन 1+2 यस सफिशियंट, 1 और 2 मिलकर आंसर देते हैं। कैसे, 15% इज इक्वल टू 2250, व्हाट इज 100% निकालने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बताता हूं, 15% इज इक्वल टू रुपीज सेविंग 2250, व्हाट इज 100% निकालना तो नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि ये 150 टाइम्स होता है, तो ये 15,000 होगा, ये इसका मंथली इनकम होगा। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, पर मैंने पहले कहा कि हमें सीखना है, हमें मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के ख्याल से इस एपिसोड को लेना है। तो 1 और 2 मिलकर आंसर देता है। अब आइए 3 में चलते हैं। 3 क्या कहता है, आउट ऑफ द टोटल मनी स्पेंड बाय जाकिर इन ए मंथ 1/5 इज स्पेंड ऑन फूड, मतलब जो एक्सपेंडिचर है इसका 1/5 यानी 20% ये फूड पर खर्च होता है, और रेस्ट का मतलब 80% रिमेनिंग आइटम पर खर्च होता है, और ये दिया हुआ है ₹10,200। तो हमें 100% मतलब एक्सपेंडिचर मालूम हो जाएगा, पर 3 से अकेले नहीं निकलेगा, क्योंकि जरूरत नहीं है, पर मैं ऐसे ही समझा रहा हूं। तो 20% क्या होगा, 1/4, 20% निकालेंगे तो क्या होगा, 1/4 2,500 2,550, और ऐड कर दीजिए तो 100% का मतलब कितना हुआ, 12,000 रुपीस, 12,000। देखिए 10,000 टू 12,750, और ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है, तो 3 से नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सपेंडिचर अगर आपको मालूम है तो 1 और 3 मिलकर आंसर देगा। क्यों, क्योंकि 85% इज इक्विवेलेंट टू दिस, व्हाट इज 100% निकाल सकते हैं ना, तो यस मिलेगा, ठीक है। और 3 के साथ 2 यस क्यों नहीं मिलेगा, 3+2 सेविंग मालूम है और आपको एक्सपेंडिचर मालूम है, मिलेगा 12,750 + 2,250, बिल्कुल मिलेगा 15,000। आंसर क्या हुआ, एनी टू यानी कि डी इज द आंसर। बोलिए कितना शानदार क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वॉक का है। इन व्हाट टाइम विल अंजना एंड रंजना टुगेदर कंप्लीट द वॉक, अंजना और रंजना मिलके पूरे वॉक को कितने समय में कर सकते हैं। मतलब ऐसा है, क्वेश्चन लिख देते हैं कि अंजना प्लस रंजना ये पूरे वॉक को कितने समय में करेंगे, ये सवाल है। देखिए फर्स्ट है कि अंजना एलोन कैन डू
2/3 ऑफ द वर्क इन 16 डेज। तो अंजना अकेले पूरे वर्क को कितने समय में कर सकते हैं हमें पता है, निकाल सकते हैं, पर इससे आंसर तो मिलेगा नहीं। कहने का मतलब अंजना जो है 2/3 वर्क को 16 डेज में करती है, तो पूरे वर्क को कितने दिनों में करेंगी, यानी 24 डेज। इससे क्या होता है, हमें तो अंजना और अंजना दोनों का चाहिए, तो वन से अकेले आंसर नहीं मिलेगा। आइए टू में चलते हैं। द टाइम टेकन बाय अंजना इन कंप्लीटिंग 1/3 द वर्क इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय रंजना इन कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द वर्क। तो इससे दोनों का टाइम कहां मिलने वाला है, तो टू से अकेले आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन टू क्या इंफॉर्मेशन देता है, सुनिए। सेम टाइम में वर्क का जो रेशियो होता है वही इफिशियंसी का रेशियो होता है। समान समय में अंजना 1/3, रंजना हाफ, दिस इज द रेशियो ऑफ देयर इफिशियंसी। मुझे बताइए, अगर हम सेकंड में बात करें कि अंजना एंड रंजना, तो इफिशियंसी 1/3:2 यानी 2:3 इफिशियंसी। समान समय में जितना काम कर सकते हैं उन्हीं का रेशियो इफिशियंसी होता है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। तो टाइम 3:2 और रंजना हमें मालूम है 24, तो रंजना क्या 16, बोलिए अंजना 24 डेज में और अंजना 16 डेज में, ये होगा कि नहीं, ये मुझे बताइए। जब दोनों का मालूम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे हम लोग बता सकते हैं कि नहीं, दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे ये बता सकते हैं कि नहीं। और जब ये मालूम हो जाएगा तो 1 and 2 कंबाइनिंग टुगेदर सफिशियंट टू गिव द आंसर। ये बात तो सही है, 1+2 से आंसर मिलता है, ये बात सही, निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग यूनिट वर्क मेथड से निकालना होता तो टाइम में आते भी नहीं, इफिशियंसी बोल देते, हमें मालूम है कितने दिन में करेंगे तो आसानी से बता देते। थर्ड स्टेटमेंट कहता है रंजना को कम टाइम लगता है, थर्ड स्टेटमेंट कि रंजना को कम टाइम लगता है, पर इसका कुछ मतलब नहीं। तो आंसर क्या हुआ, ओनली 1 and 2 टुगेदर, 1 and 2 टुगेदर मतलब सी, 1+2 टुगेदर, दोनों मिलकर के आंसर देते हैं, ठीक है ना, क्लियर, देख लीजिए। आगे बढ़े अगला और लास्ट 5th नंबर क्वेश्चन है, देखिए। हाउ मच टाइम विल ए बोट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम सी टू बी डाउन स्ट्रीम। बोट इन स्ट्रीम का बड़ा ही शानदार सवाल है, देखिए बहुत शानदार है। सी टू बी डाउन स्ट्रीम है, दिखाता हूं, देखिए ये आप देखिए, सी टू बी का मतलब सी, दिस इज बी, सी टू बी डाउन स्ट्रीम मतलब नदी इधर बहती है, कितना टाइम लगेगा बोट को सी से बी तक जाने में, ये पूछा है, टाइम कितना लगेगा, T=what ये पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 16 km/h, तो ये तो जस्ट यू है, U=16 km/h, इससे तो कुछ पता नहीं चलता क्योंकि रिवर में तो एक्स वाई काम करता है, एक्स मतलब स्पीड डाउन स्ट्रीम, यू प्लस वी, और अगेंस्ट में वाई यानी यू माइनस वी, तो
उसका तो कुछ पता है ही, स्टेटमेंट वन से तो कुछ पता चलेगा नहीं। आइए स्टेटमेंट टू पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डाउन स्ट्रीम। रुकिए रुकिए, डाउन में जा रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं, इसका मतलब ए यहां होगा, यहां होगा, कहीं होगा, पता नहीं कहां, ए से बी इज 12 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेम बोट फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, यानी बी टू सी का जो डिस्टेंस है उससे 12 किलोमीटर ज्यादा है। इसका मतलब कि ए पॉइंट यहां है और 12 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, तभी तो ज्यादा है। क्लियर? अगर हम इसे मान लें डी डिस्टेंस, तो समान समय में अप में डी किलोमीटर जाते हैं, डाउन में डी प्लस 12 किलोमीटर जाते हैं, ये दिया है। तो स्टेटमेंट टू क्या कहता है? स्टेटमेंट टू कहता है कि समय समान है। आप इक्वेशन भी बना सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में बताता हूं। अगर रिलेशन आप बात करते हैं तो आप बोलेंगे, सोचिए ये डिस्टेंस डी है, अगर डाउन में स्पीड को एक्स बोलें, अप में वाई बोलें, तो टाइम जो है डाउन में और अप में दोनों में सेम लगता है। डी प्लस 12 किलोमीटर तय करने में उतना ही समय लगता है जितना डी तय करने में। डी प्लस 12 डाउन में और अप में वाई, मतलब ये एक्स इधर की ओर और वाई इधर की ओर, ये इक्वल दिया है। हम लोग टू से नहीं निकाल सकते और वन टू से भी नहीं निकाल सकते। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं और दूसरा तरीका भी है लिखने का, समान समय में सेम टाइम स्पीड का जो रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो देखिए, हमें मालूम है कि स्पीड जो है x is to y, तो डिस्टेंस भी x is to y होगा और जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस x माइनस y होगा, जो कि हमें 12 किलोमीटर दिया है। पर इससे हमें वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें एक्स वाई का डिफरेंस दिया है, यानी 2 भी दिया है। एक्स वाई का डिफरेंस क्या होता है? यू प्लस बी, यू माइनस बी, मतलब 2 भी का वैल्यू दिया है, मतलब 1 एंड 2 से नहीं मिलेगा। और जब 3 लेंगे तो थर्ड है कि स्पीड ऑफ द करंट इज 1/8 ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वॉटर फिनिश्ड ऑल टूगेदर दे आर सफिशियंट टू गिव द आंसर, क्योंकि इन दोनों से मिल लिया था और इसने तो बता दिया कि u और v का रेशियो क्या है। मुझे बताइए, u is to v ये दिया हुआ है 8:1, तो x क्या हुआ 9, y क्या हुआ 7, इवन डिफरेंस क्या हुआ, मतलब x माइनस y डिफरेंस जो यहां मालूम था, तो x और y का डिफरेंस क्या हुआ 2। और हम जानते हैं अगर हम 1 की मदद लें तो 8 मतलब 16 किलोमीटर पर आवर, तो सब कुछ निकाल सकते हैं। v का मतलब 2 किलोमीटर पर आवर, 9 का मतलब 18 किलोमीटर पर आवर, 7 का मतलब 14 किलोमीटर पर आवर, 2 का मतलब डबल 4 किलोमीटर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 4 मतलब 3, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए, सीधा सीधा बात करते हैं। हमसे पूछा क्या गया, डाउन में डी डिस्टेंस तय करने में कितना टाइम लगेगा। आप मुझे बताइए, इस रिलेशन में रख के भी निकाल सकते हैं, इस रिलेशन का यूज नहीं करके भी बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है,
आप देखिए इसका वैल्यू अगर हम रखते, हम लोग सिर्फ इसको लेकर के बात कर सकते हैं, इसका हमने इस्तेमाल कर लिया और एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिया। तो अब आप देखिए अगले पेज में बनाता हूं, डी प्लस 12 बाय 18, एक्स क्या है 18 और डी वाई 14 वाई 9d 7d 2d is equal to 12 into 7 yani ki 6 into 7 d distance ko downstream mein tay karne mein matlab time kidhar down mein d distance ko tay karne mein 6 into 7 kilometer ko tay karne mein down mein speed kya hai 18 kilometer per hour ये मैं सिर्फ समझा रहा था, हमारा आंसर हो चुका ऑल टुगेदर कंबाइनिंग टुगेदर दे आर सफिशिएंट टू गेट द आंसर। इस सेशन में आपने सीखा या नहीं, इस सेशन में डिफरेंट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को भी आपने सीखा, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखा, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं ये भी आपने सीखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा मेन एग्जाम के इन क्वेश्चंस को बनाने से, प्री में आप बहुत बढ़िया करेंगे। ऑल द बेस्ट।